ब्यूटी केयर और सामान्य बीमारियों के घरेलू उपचार की सीरीज में आज हम आपको बता रहे हैं गेंदा यानी मैरीगोल्ड के औषधीय गुणों के बारे में। साथ ही हम आपको बताएंगे कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें। गेंदे की पत्तियां लंबी पतली धारीदार होती हैं। इसके फूल लाल पीले संतरी और सफेद रंग के होते हैं। केवल सजावट और पूजा पाठ में ही नहीं गेंदे के फूलों का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है। इसके फूल से इत्र तो बनते ही हैं। यह एक अच्छा एंटीबायोटिक भी है। एक चम्मच मैदा गेंदे की पत्तियां और फूलों को पीसकर हफ्ते में दो बार सिर पर लगाने से सिर के फोड़े फुंसियां या घाव ठीक हो जाते हैं। दाद होने पर गेंदे के फूलों के रस को दिन में 3 से 4 बार लगाएं। इसके रस में एक चुटकी काला नमक पाउडर और एक चुटकी नमक मिलाकर पीने से बवासीर रोगी को आराम मिलता है। मुंह और पेट के अल्सर के इलाज के लिए साफ पानी के साथ गेंदे का अर्क पीना काफी कारगर होता है। इससे आर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द से छुटकारा मिलता है। गेंदे के फूल के एक चम्मच पाउडर में एक चम्मच मिश्री पाउडर मिलाकर खाने से दमा और खांसी में आराम मिलता है। गेंदा फूल के अर्क का सेवन हृदय रोग कैंसर और स्ट्रोक को रोकने में मदद करता है। गेंदे के बीज में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर खाने से नपुंसकता दूर होती है। गेंदे के पत्तों के काढ़े का सेवन करने से पथरी ठीक हो जाती है। आयुर्वेद में ब्यूटी केयर के लिए भी गेंदे के अनेक उपयोग बताए गए हैं। इसमें मौजूद कैरोटीनॉइड ग्लाइकोसाइड और अरोमा ऑयल रूप रंग निखारने झुर्रियां और मुहासे हटाने एवं त्वचा में चमक लाने में मदद करते हैं। चंदन पाउडर गुलाब जल और एक चम्मच कच्चे दूध तथा गेंदे की पंखुड़ी के रस को मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे चेहरे पर लगाकर 30 मिनट तक रहने दें। इससे त्वचा पर दाग धब्बे नहीं रहते। ये पैक मुहासों के लिए भी काफी फायदेमंद है। गेंदे के थोड़े से पत्तों को मोम में गर्म करके फटी हुई एड़ियों पर लगाने से एड़ियां ठीक हो जाती हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जिनसे आंखों की बीमारियां ठीक होती हैं। आंखों में लालपन आ जाए तो गेंदे के रस से आंख धोने से बहुत फायदा मिलता है। गर्भवती महिलाओं को आंतरिक तौर पर गेंदे का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पीरियड्स प्रभावित हो सकते हैं। इसका अधिक उपयोग फर्टिलिटी को कम करता है। गेंदे का उपयोग स्तनपान कराने वाली माताओं को भी नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जानकारियाँ आपको कैसी लगी? अपने अनुभव हमारे व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। प्रेगनेंसी एक्सपर्ट से टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पर्सनलाइज्ड प्रेगनेंसी केयर के रेगुलर व्हाट्सएप अपडेट्स के लिए 9394293942 पर मिस्ड कॉल दें। और याद रखें कि हर प्रेगनेंसी स्पेशल होती है। साथ ही किसी भी रूटीन को शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। धन्यवाद।